दुर्गेश में सीडीपी की स्मार्टफोन क्लास में मैम आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड जल्दी जल्दी सभी साथी लाइव आ जाइए, यह क्लास आप सभी साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी साथी जल्दी जल्दी लाइव आएंगे। क्लास प्रारंभ हो चुकी है फ्रेंड, फटाफट सभी साथी जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, जितने भी साथी हैं फटाफट लाइव आ जाइए फ्रेंड। तो क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की व्यवस्था का है, जिसका संबंध पढ़ने व सीखने से है, यह कथन किसका है? जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध पढ़ने व सीखने से है, यह कथन किसका है? स्किनर का है, क्रो एंड क्रो का है, डेविस का है, बीएन झा का है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए फटाफट अपने आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब क्या है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब क्या है, फटाफट अपने आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइए। यह शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध पढ़ने व सीखने से है, यह कथन किसका है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सभी साथी अपने अपने आंसर कमेंट करें, बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपने अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, कमेंट सेक्शन में आइए और जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने और सीखने से, यह कथन किसका है? स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, डेविस का या बी एन झा का? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, फटाफट इस क्वेश्चन के अपने आंसर कमेंट करें मैंने बताया इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ चलिए, तो इसको कहा है फ्रेंड स्किनर जी ने, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। स्किनर का ऐसा मत है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने व सीखने से है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ ऐसा मानना फ्रेंड ऐसा मत है स्किनर का, इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह है उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में, कक्षा के समस्याओं के समाधान में तथा उपयोग सभी में। बताएं फ्रेंड शिक्षण के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में वह कौन सा क्षेत्र है? जल्दी से आंसर कमेंट कर बताएंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप सभी के जवाब बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि भैया उच्च शिक्षण विधियों में भी है, बालक के सर्वांगीण विकास में भी है, कक्षा के समस्याओं के समाधान में भी है, इसका मतलब उपयोग डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, इस मनोविज्ञान की उपयोगिता दिए गए तीनों क्षेत्रों में से है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, डी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है। जी हाँ आगे बढ़े फ्रेंड, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जी हाँ संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक के तौर पर किस मनोवैज्ञानिक का नाम प्रसिद्ध है? पावलोव, थानडाइक, स्किनर या कोहलर? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, संबंध प्रतिक्रिया एक सिद्धांत का उपनाम है, बताइए किस सिद्धांत से रिलेटेड है? जल्दी जल्दी सभी साथी फटाफट अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। जी हाँ अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, एस टाइप थियरी या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल थियरी ऑफ लर्निंग, ये सारे जो नाम है फ्रेंड या पावलोव के सिद्धांत के नाम है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पावलोव, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं संकेत अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया सौर उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम या उपयुक्त सभी? यहाँ फ्रेंड पूछा जा रहा है प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं कौन, निम्नलिखित में से फ्रेंड प्रभावशाली आयाम है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, बताइए फ्रेंड कौन सा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। प्रभावशाली अधिगम के आयाम निम्नलिखित में से कौन सा है? संकेत अधिगम है या उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम है या श्रृंखला अधिगम या उपयुक्त सभी? चलिए डी 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 बहुत बढ़िया, देखिए भाई प्रभावशाली अधिगम संकेत अधिगम भी होता है, उत्तेजन अनुक्रिया भी अधिगम होता है तथा श्रृंखला अधिगम, ये तीनों अधिगम भी आपके सारे अधिगम क्या होते हैं? प्रभावशाली अधिगम के आयाम है, इसलिए इसका जो जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब होगा। डी इज द राइट आंसर,
डी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है पारिवारिक संघर्ष, विकास की उत्तम दशाएँ, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार तथा जनतांत्रिक अनुशासन। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा। यहाँ चार विकल्प है फ्रेंड, फटाफट अपने आंसर में कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बालक के मस्तिष्क पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग डी कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग ए कमेंट कर रहे हैं। ए ए ए ए ए जी हाँ, ए वाले साथियों का रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है भाई कि सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है फ्रेंड पारिवारिक कलह, पारिवारिक संघर्ष। इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य पर बाधक तत्व में सबसे पहला है जो है पारिवारिक संघर्ष, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए भाई, अध्यापक और विद्यार्थी के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए उचित व्यवहार, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, उचित यौन शिक्षा प्रदान करना या किशोर मनोवैज्ञानिक की अवहेलना करना। यह प्रश्न अध्यापकों और विद्यार्थियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी से आपको भी लोग आंसर कमेंट करिएगा भाई, उचित व्यवहार तो किया जाना चाहिए, इसको इनकार नहीं करना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए, इसको भी इनकार नहीं किया जाना चाहिए। उचित यौन शिक्षा प्रदान करनी चाहिए भैया, अवहेलना नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। डी कमेंट करने वाले लगभग सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। एक बार सभी साथी पुनः वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने भी साथी अभी क्लास से जुड़ रहे हैं उन सभी का क्लास में वेलकम है, स्वागत है, सभी को मेरा नमस्कार। जैसे जैसे आप जो जुड़ रहे हैं लेट लतीफ वैसे वैसे आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है, कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है, प्रयोजन विधि, परिचर्चा विधि, विचार समिति या अभिक्रमिक अधिगम। बताएं फ्रेंड कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा यह भी क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। समूह अधिगम का तरीका नहीं है, प्रयोजन विधि में समूह अधिगम का यह तरीका है, परिचर्या यह भी पर समूह अधिगम का तरीका है, विचार समिति यह भी, अभिक्रमिक अनुदेशन यह समूह अधिगम नहीं बल्कि व्यक्तिगत अधिगम का तरीका है। इसीलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। डी इस प्रश्न का लिए भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, डी इज राइट आंसर फ्रेंड। डी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है। आदतें, ज्ञान और आवृत्तियाँ अर्जित करने की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह कथन किसका है, किंगले का है, गेट्स का है, क्रो एंड क्रो का है या क्रॉनबैक का है। बताएं फ्रेंड, आदतें, ज्ञान और आवृत्तियाँ अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है, यह कथन किसका है, अधिगम रिलेटेड या डिफिनेशन किसने दिया है, किंग्सले, गेट्स, क्रो एंड क्रॉनबैक। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, यह डिफिनेशन किसकी है। आदतें, ज्ञान, आवृत्तियाँ, देखिए कोडिंग और आदत, ज्ञान, आवृत्ति जहाँ पर दिखे उसके सही जवाब है फ्रेंड आपके क्रो एंड क्रो, विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रिया आपके उद्वर्त है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया आपके स्किनर हैं। इसी प्रकार से आप एक की पॉइंट पकड़िएगा हर डिसीजन का, आसानी होगी आपको याद करने में, तो विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्रो एंड क्रो इज राइट आंसर। निम्न में से अनुदेशन सामग्री नहीं है, जी हाँ, निम्न में से अनुदेशन सामग्री नहीं है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट, मुद्रित सामग्री या ट्रांसपेरेंसी। बताएं फ्रेंड, निम्न में से अनुदेशन सामग्री नहीं है, कौन सा निम्नलिखित में से अनुदेशन सामग्री नहीं है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए आप सभी के जवाब सही होने चाहिए। ऑडियो कैसेट है, मुद्रित सामग्री है, ट्रांसपेरेंसी है, सारे आपके अनुदेशन सामग्री है, मतलब जिनके द्वारा किसी भी चीज़ को के बारे में दिशा निर्देश दिया जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर आपका अनुदेशन सामग्री नहीं है, इसलिए यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक प्रकार का अनुदेशन सामग्री नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पर एक अनुदेशन सामग्री है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है, अधिगम का
सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। व्यक्तिक समायोजन, व्यवहार रूपांतरण, सामाजिक और राजनीतिक चेतना तथा अपने को रोजगार के लिए तैयार करना। जी हाँ फ्रेंड, अधिकरण अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, कि अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होता है? जल्दी से आंसर करो, बिल्कुल सिंपल है भाई। अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करना, व्यवहार को बदल देना। इसलिए विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यवहार में रूपांतरण। जी हाँ, बिहेवियर को चेंज करना ही अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है। इसलिए विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी द राइट आंसर। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? अभिवृद्धि, संकल्पना, ज्ञान तथा परिपक्वता। बताइए भाई, कौन से सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? सीखने में अभिवृद्धि प्राप्त होती है, यह तो परिणाम है, संकल्पना भी होती है और ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, परिपक्वता नहीं आती है फ्रेंड। परिपक्वता वृद्धि के पश्चात आती है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परिपक्वता एक व्यक्ति में, एक बालक में, एक मनुष्य में वृद्धि के पश्चात आती है, सीखने के पश्चात नहीं। इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ डी इज द राइट आंसर। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण तथा मनोदैहिक। बताइए भैया, संकेत अधिगम, जी हाँ, सिंबल लर्निंग के द्वारा क्या सीखा जाता है? बेरोजगार भाई आईडी चेंज, चलिए पूछा जा रहा है, संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदैहिक। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, संकेत अधिगम में आप पारंपरिक अनुकूलन को सीखते हैं। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, ए कमेंट करने वाले बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का। ए जिन्होंने भी कमेंट किया उन सभी के जवाब सही हैं कि संकेत अधिगम के अंतर्गत फ्रेंड पारंपरिक अनुकूलन को सीखा जाता है। इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सशक्त अप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है, शीघ्र सीखता है। फटाक से बताइए भाई, सशक्त अप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक क्या है? जल्दी से बताइएगा, सशक्त अप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक क्या होता है? सशक्त अप्रेरणा द्वारा बालक में प्रभावशाली घटक क्या होता है फ्रेंड? वह जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखने लगता है, जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखने लगता है। जी हाँ, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड, कि चीज़ों को जल्दी जल्दी वह सीखने लगता है। प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है फ्रेंड, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है प्रोत्साहन, आवश्यकताएं, प्रबल प्रेरणा या उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित हैं कौन कौन सी बातें? यहाँ पर प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित हैं, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइएगा कि प्रेरक के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है। जी हाँ, प्रोत्साहन को भी सम्मिलित किया जाता है, आवश्यकताओं को भी, प्रबल प्रेरणा को भी तथा उपयुक्त सभी। इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी द राइट आंसर। इन सभी को सम्मिलित किया जाता है प्रेरक के अंतर्गत, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी द राइट आंसर, प्रेरक के अंतर्गत आप इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। आगे बढ़ेंगे, किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है, यह कथन है स्टेनले हाल का। काफ़ी बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए जरा भी यहाँ पर टाइम नहीं देना है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन स्टेनले हाल का है। इन्होंने इसको अपनी पुस्तक एडोलसेंस में प्रकाशित किया था, इसलिए विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी द राइट आंसर। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। आगे बढ़िए फ्रेंड, अभिक्रमिक अनुदेशन एक प्रकार का है, रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन, मैथमेटिक अभिक्रमिक अनुदेशन। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल है यह, उपयुक्त सभी। तो सभी प्रकार के अभिक्रमिक अनुदेशन होते हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी द राइट आंसर। रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन भी होता है, शाखीय भी होता है और मैथमेटिक भी होता है, सभी होते हैं।
इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, आगे बढ़े फ्रेंड। निम्न में से कौन सी सहायक शिक्षण सामग्री है? पवन मिल कार्यकारी प्रतिमान, टेप रिकॉर्डर, 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर या उपयुक्त सभी। कह रहे कौन सा सहायक शिक्षण सामग्री है? तो भैया पवन मिल कार्यकारी प्रतिमान मॉडल है एक प्रकार का, यह भी एक सहायक अधिगम सामग्री होता है, टेप रिकॉर्डर भी होता है और फिल्म प्रोजेक्टर भी, ये सारे आपके अधिगम सामग्री होते हैं। इसलिए इसका विकल्प नंबर डी सही जवाब हो जाएगा कि यहाँ पर दिए गए सारे सामान आपके अधिगम सामग्री हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल तर्क शक्ति का विकास करना, केवल चिंतन का विकास करना, ए बी दोनों, या सूचना प्रदान करना। बताइए भाई शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए फटाफट अपने आंसर कमेंट करिएगा भाई। बहुत बढ़िया, तर्क का विकास करना तथा चिंतन का, इन दोनों का विकास करना भाई शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी द राइट आंसर, केवल तर्क तथा चिंतन नहीं, दोनों का विकास करना, तर्क और चिंतन दोनों का विकास करना ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिक्षण प्रतिमान एडवांस ऑर्गेनाइजर के प्रतिपादक हैं डेविड आतुवेल, इन द हिंदा तांबा, रिचर्ड सकमैन या कोहलर। बताइए भाई शिक्षण प्रतिमान एडवांस ऑर्गेनाइजर के प्रतिपादक हैं, विकल्प जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए अपने आंसर कमेंट करिएगा कि रिचर्ड एडवांस ऑर्गेनाइजर के प्रतिपादक हैं। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है फ्रेंड, इसलिए आप सभी के जवाब इसके भी बिल्कुल सही होने चाहिए। शिक्षण प्रतिमान एडवांस ऑर्गेनाइजर के प्रतिपादक हैं वह हैं डेविड आतुवेल। जी हाँ, डेविड आतुवेल, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डेविड आतुवेल इज द राइट आंसर, एडवांस ऑर्गेनाइजर जो एक प्रकार का अधिगम मॉडल है, इसके प्रतिपादक हैं आपके डेविड आतुवेल। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्वर है बोध अवबोध विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन। यहाँ फ्रेंड यह बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी के जवाब सही होने चाहिए। ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण, जी हाँ विश्लेषण संश्लेषण तत्पश्चात मूल्यांकन, अंतिम जो होता है फ्रेंड होता है मूल्यांकन, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी इज राइट आंसर, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्वर होता है मूल्यांकन वैल्यूएशन, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास, आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। सभी साथी वीडियो के अंत में अपने अपने स्कोर कमेंट कर दिए, कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए, यहाँ कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तो इसी पर क्लास को समाप्त करते हैं, बने रहिए लेनी दुर्गे के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।